तो सब जने जिसकी फोटोग्राफ्स अच्छी होंगी हमें लगेंगी विल बी सेलेक्टिंग। एट दी एंड आपको तीन तीन फोटोग्राफ्स सबको सबमिट करनी है, ठीक है, 13th को सबको सबमिट करनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे हम लोग सिलेक्शन करेंगे। और 13th को ही आप लोगों को एक फोटोग्राफ उसमें से जो होगी सेलेक्टेड वही प्रिंट हो करके एग्जीबिशन में आपकी लगेगी, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोग्राम है हमारा, और चाहे IIP ने बहुत अच्छा आपके लिए किया है ऑर्गेनाइज, हम लोग कर रहे हैं, आर्ट फोकस कर रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ का अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाओ। जहाँ कुछ समझ में नहीं आता हम दोनों से आप पूछो, 10 बार पूछो हम लोग बता देंगे, लेकिन लास्ट डे अगर पूछोगे कि फर्स्ट डे का कि कैसे हो रहा है तो वो थोड़ा सा अजीब होता है ना। जहाँ पे भी क्वेरीज है इमीडिएटली पूछो, जितनी बार पूछोगे हम उतनी बार बताएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा सीरियसनेस, बहुत फन वर्कशॉप्स होंगी। क्लासरूम में नहीं रखी मैंने, क्लासरूम में रख सकते थे लेकिन हमें बाहर रखनी है, वैली में रखनी है आपकी, खुले एरिया में, सिटी में भी नहीं रखी, इसलिए तो सर भी अलग अलग वैलीज को प्रमोट करना चाहते हैं, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो प्लीज उसका अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छे से फायदा उठाना सब जने, सर ने किया है। एंड प्लीज काइंडली शो द ग्रेटिट्यूड, ठीक है, यू शुड बी थैंकफुल टू द UT एडमिनिस्ट्रेशन जो आपके लिए कर रहा है, एक रिस्पेक्ट होनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो वो चीज़ एक रिस्पेक्ट एक दूसरे को भी देनी है, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कुछ यूथ है, तो ये और सारे हमारे लिए सेम लेवल पे है, 15 इयर्स का भी, 12 इयर्स का भी, 18 इयर्स का भी, 30 इयर्स का भी, 25 इयर्स, एवरीवन इज ऑन अ सेम लेवल, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है आर्टिस्ट में, आर्ट के उसमें, ठीक है ना। तो वो चीज़ का आप प्लीज़ ध्यान रखना एंड फोकस करना। श्योर सर, तो प्लीज़ सर आप हमें बताएंगे कि यहाँ पे जो 3 डेज का वर्कशॉप होने जा रहे हैं इसका क्या मोन, आपका मेन मोटिव क्या है, इसके पीछे एमिशन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लस इसका स्केड्यूल थोड़ा बता दीजिए। हम लोग आर्ट फॉर कॉज ऑर्गेनाइजेशन से हैं एंड लोपसांग एंड मी हम लोग यहाँ पर आए हैं 3 दिन का बेसिक फोटोग्राफी वर्कशॉप करना। कोलैबोरेशन हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी से है, एक बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जो हमारे साथ में सपोर्ट करने आया है, एंड दिस इज़ ऑल द फ्री वर्कशॉप वी आर प्रोवाइडिंग। इसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं मोबाइल फोटोग्राफी के ऊपर, क्योंकि DSLR या प्रोफेशनल कैमराज हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, और हमारा फोकस है कि मोबाइल से भी हम लोग बहुत अच्छी क्लास फोटोग्राफ्स हम निकाल सकते हैं इसको, तो एक फोकस उसी चीज़ पर है। और दूसरा फोकस इस चीज़ पर है कि हम फोटोग्राफी के थ्रू एरिया को प्रमोट करना चाहते हैं, कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जैसे कारगिल जो है एक सिर्फ एक वॉर जोन की तरह लोगों को पता है, या ये भी नहीं पता कि लद्दाख का पार्ट है वो। Exactly. एक लद्दाख का वेरी मच एक पार्ट है, बहुत बड़ी एक ज्योग्राफिकल हमारी डिस्ट्रिक्ट है, बहुत यूनिक कल्चर है यहाँ का, तो वो फोटोग्राफ के थ्रू चीज़ें पता करनी बहुत अच्छी होंगी। लोग वीलॉग्स बनाएंगे या यूट्यूब चैनल्स हैं आप लोगों के, आप वो चीज़ कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे आकर के एक सिखा के जाएंगे तो कल नई जनरेशन जो है वो खुद शूट कर सकती है, बाहर के लोगों को इतना ज़रूरत नहीं है आने की, यहाँ के ही लोकल स्टूडेंट्स आके जा करके उसको प्रमोट करेंगे, वो चीज़ हमारा मोटिव है। और 3 दिन की वर्कशॉप में हमारा कॉम्पोजिशन है, हम टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी सिखा रहे हैं, लैंडस्केप सिखा रहे हैं, एंड सबसे यूनिक चीज़ है हम लास्ट डे पे फैशन शूट रख रहे हैं जो ट्रेडिशनल वेयर में होगा, ताकि लोगों को अपने कल्चर से ज़्यादा क्लोज आएँ, थोड़ा रिस्पेक्ट करें उस चीज़ को और उस चीज़ को प्रमोट करें हम लोग साइड बाय साइड। ये सारी वर्कशॉप्स हमारी ओपन एयर वर्कशॉप्स हैं, कोई भी क्लास हमारी, सारी क्लासेस हमारी बाहर हो रही हैं, ओपन एयर वर्कशॉप्स हैं, ताकि एक फील आए और एक एरिया को प्रमोशन मिले। 3 दिन 3 अलग अलग डिफरेंट वैलीज में ये वर्कशॉप हो रही है, और इसका कंक्लूजन के टाइम पर एक फोटोग्राफी वर्कशॉप होगी जिसमें मेंटर्स और स्टूडेंट की दोनों की फोटोग्राफ्स लगाई जाएंगी, और हम लोग 2 बैचेस हमने बनाए हैं स्कूल स्टूडेंट्स के और यूथ के, तो दोनों में हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड एक प्राइजेस रख रहे हैं जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन रख रहा है अपनी साइड से, ताकि उनको और मोटिवेशन मिले, बढ़ावा मिले आगे चल के करने के लिए। सो ये हमारा एक मेन है, एक छोटा सा स्टार्ट है आज के लिए, आगे चल करके ये चीज़ बहुत बड़े लेवल पे जाए, हम चाहते हैं हम वीडियोग्राफी की, फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप्स करें, लोग अच्छे से वीलॉग बना पाएँ, एडिटिंग सीख सकें किस तरीके से, तो ये हमारा एक मेन मोटिव है, ताकि स्टूडेंट्स को कुछ नया मिले, एंड स्पेशली पैंडेमिक के टाइम पर जब कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वाई नॉट टू क्रिएट अ कंटेंट विच कैन प्रमोट अ रीजन, ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑल टुगेदर।